हेलो सीख लो और ये एपिसोड में वहीं पे एंड कर देता हूँ। तो चलो अब इस एपिसोड में देखते हैं कि कौन सी स्किल जो है अनलॉक करने वाला है। हाँ, लाइक से सब्सक्राइब कर देना, कर दिया कमेंट, कर दिया कमेंट, जाके अभी के अभी अभी के अभी अभी के अभी 100 क्रॉस कर दो और लाइक 500, शेयर जहाँ तक फैला सकते हो फैला डालो इस वीडियो को, कुछ ज्यादा हो गया क्या। चलो वापस आते हैं नोबल पे। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ज्वाइन यही सोच रहा होता है कि पिछली बार उसने इंटेंट टाइप का बैटल स्किल सीखा था, तो इस बार बैटल स्किल का जो लेवल होगा वो क्या होगा। तभी जोयान और ओल्डजान लटके हुए स्क्रोल्स के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद जोयान एक लाइट बैरियर के पास खड़ा होकर तुरंत ही लाइट बैरियर के अंदर अपना हाथ डालता है और जैसे ही जोयान लाइट बैरियर को टच करता है तो वो लाइट रेज जोयान की बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है, जिसके बाद हमें जोयान की मेंटल स्ट्रेंथ का एरिया दिखाया जाता है, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड जोयान का, या सोल सी कह सकते हो उसे आप, जहाँ जोयान क्रॉस लेग करके बैठा हुआ होता है, आंखें बंद होती हैं, जिसके बाद जोयान रीड करता है पहले इसके स्टार्टिंग वर्ल्ड रैंक बैटल स्किल फाइटिंग हुआ सांची, आई डोंट नो ये क्या ही नेम है, चलो देखते हैं। जिसके बाद जोयान के दिमाग में एक फिगर आती है जो जोयान की तरफ पीठ किए होती है, उसके हाथ में बड़ा सा हैवी जोयान रूलर होता है और उस बंदे के कपड़े काले होते हैं, बाल लाल होते हैं जो हवा में लहरा रहे होते हैं और उसकी पूरी बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा रिलीज हो रहा था, जिसे तो वास्तव में जोयान भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो उस ब्लैक फिगर को देख रहा होता है जो उसे घोस्ट की तरह लग रही थी। साथ ही उसके हाथ काफी अजीब तरीके से घूम रहे होते हैं और मूवमेंट कर रहे होते हैं और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि उसकी मूवमेंट को फॉलो करना काफी मुश्किल होता है। हालांकि जोयान उसकी मूवमेंट को फॉलो कर रहा होता है, लेकिन जोयान की रफ्तार उसके कंपैरिजन में काफी स्लो थी, इसलिए जोयान उसकी हर एक मूवमेंट को काफी ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा होता है। साथ ही फाइटिंग हुआन सांची को 3 एक्सचेंज में डिवाइड किया गया था, जिसमें से हर एक अटैक का अपना अटैक और डिफेंस था। साथ ही एक ऐसी बैटल स्किल थी जो कि अटैक टाइप और डिफेंस टाइप दोनों थी और काफी पावरफुल भी थी, जिसके बाद जोयान इसे रीड करना एंड करता और अपने दिमाग में पूरी तरीके से रीड करते हुए इंफॉर्मेशन को असेंबल करने लगता है लाइन से। साथ ही जोयान एक लेजेंडरी पावर को अपने अंदर फील कर सकता था, जिसके 2 दिन बाद जोयान की आंखें धीरे धीरे ओपन होती है और जोयान एक लंबी सांस लेते हुए उठकर खड़ा हो जाता है, जोयान खड़ा हो जाता है। जिसके बाद जियान कहता है वास्तव में वर्ल्ड रैंक बैटल स्किल तो सच में काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और जियान मनी मन में इसकी काफी तारीफ करता है। इस टाइम पे जोयान इस बैटल रैंक के अटैक को देखकर काफी ज्यादा खुश था और साथ ही साथ वो सोच रहा था कि उसका जब फ्लेम मंत्रा इस लेवल पर पावरफुल हो जाएगा तो उसके अंदर कितनी ज्यादा पावर होगी, जिसके बाद जोयान जानना चाहता था कि उसका फ्लेम मंत्रा कोल्ड फ्लेम मंत्रा में कन्वर्ट होगा तो उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे। आप सभी लोग को पता होगा फ्लेम मंत्रा के 8 पार्ट थे, जिसमें एक कोल्ड फ्लेम मंत्रा भी था, तो वही जोयान सोच रहा होता है। साथ ही जोयान को पता था कि ऐसा करने के लिए उसे जितना जल्दी हो सके अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को सुधारना जरूरी था, ताकि वो मॉन्स्टर ब्लड को अब्सॉर्ब कर सके और तीनों मिस्टीरियस चीजों को अब्सॉर्ब कर सके और अपने फ्लेम मंत्रा को हाई लेवल पर प्रमोट कर सके। जिसके बाद जोयान अपने हैवी जोयान रूलर को अपने हाथ में पकड़ लेता है और फाइटिंग हुआ सांची को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। साथ ही स्टार्ट पे जोयान का रूलर ठीक वैसा ही घूम रहा होता है जैसा उसके सोल सी के अंदर वो पर्सन अपने रूलर को मूवमेंट कर रहा था। साथ ही इस टाइम पे रूलर की टेक्निक काफी हाई लेवल पर पहुंच गई होती है, जहाँ पे जोयान का ये रूलर कहीं पे काफी ज्यादा सॉफ्ट और लचीला लग रहा था तो कहीं पे काफी ज्यादा हार्ड लग रहा होता है। साथ ही जोयान जब इसे टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा होता तभी उसके पैरों के नीचे एक अजीब सी बॉडी दिखाई दे रही होती है और जोयान भी इस चीज से काफी ज्यादा हैरान होता और खुद भी कि वर्ल्ड रैंक की बैटल स्किल के पास वास्तव में अपनी खुद की एक फिजिकल स्किल भी होती है। हालांकि 3 बार से भी कम टाइम के अंदर कल्टीवेट करने के बाद जोयान अपने रूलर को नीचे रखकर रुक जाता है, क्योंकि वर्ल्ड रैंक की बैटल स्किल की जो एनर्जी अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी थी, यानी कि इसके लिए जो एनर्जी चाहिए पड़ती थी वो बहुत ज्यादा थी, इसलिए जोयान अपनी प्रेजेंट टाइम की पावर के साथ इसे ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं रख सकता था। और ये सोचकर जोयान खुद पे ही कई बार हंसता भी है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसका फ्लेम मंत्र स्ट्रांग होता तो उसकी ये हालत कभी नहीं होती। जिसके बाद जोयान क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और धीरे धीरे वापस से अपनी एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगता है। साथ ही जोयान ये भी सोच रहा होता है कि अब वो एल्केमी के फर्स्ट लेवल के पीक लेवल पर पहुंच चुका है, साथ ही वो फाइटिंग हुआ सांची से भी फैमिलियर हो चुका है, तो अब ये टाइम होना चाहिए बाकी की चीजों से फैमिलियर होने का। जिसके बाद जोयान अपने हाथ को फ्लिप करता है और उसके हाथ में एक स्क्रोल दिखाया जाता है जिससे ब्लड मिस्ट निकल रही होती है और ये होती है ब्लड स्प्रिट आर्ट जो कि किंग हाओ रान ने जोयान को दी थी, और इसे देखते हुए जोयान की आंखें काफी ज्यादा गर्म हो जाती है, क्योंकि जोयान को पता था कि ये हाफ होली रैंक स्प्रिट टेक्निक होने वाली थी, यानी कि सेमी रैंक भी आप कह सकते हो इसे हाफ को, जिसके बारे में जोयान काफी क्यूरियस था। और जुक्सी सिटी जाने से पहले जोयान अपना कुछ टाइम इसे भी देना चाहता था। हालांकि जैसे ही जोयान इसे स्क्रोल को ओपन करता तो एक अजीब ही पावर सीधा ही जोयान के दिमाग के अंदर इंटर हो जाती है, जिससे जोयान की बॉडी और दिमाग कांपने लगता है और जोयान का पूरा दिमाग एक बार फिर से पूरी अजीब सिचुएशन में डूब जाता है। साथ ही जोयान की बॉडी का डायमंड ब्लड अचानक से एक्टिवेट हो जाता है, ब्लड मिस्ट जोयान की बॉडी से चारों तरफ बाहर निकलकर जोयान को घेर लेती है, साथ ही जोयान के चारों ओर की जो एनर्जी थी वो भी काफी ज्यादा कंडेंस्ड होने लगती है। दूसरे इस टाइम पे जब जोयान ब्लड स्प्रिट आर्ट को एक्टिवेट
एक्टिवेट करता है तो उसकी बॉडी का जो घोस्ट होता है मिंगलिंग वो भी अचानक से एक्टिवेट हो जाता है और मूवमेंट करने लगता है, जिससे जो यान भी करवा जाता है, क्योंकि ये घोस्ट जो हमेशा उसकी बॉडी में चुपचाप रहता था और कभी मूवमेंट नहीं करता था, आखिरकार उसे अब क्या हो गया था। साथ ही ब्लड डेमन आर्ट या कि ब्लड स्प्रिट आर्ट को एक्टिवेट करने के कारण जॉन थोड़ा सा हैरान भी होता है, क्योंकि जॉन को काफी सारी अजीब चीजें फील हो रही होती है और जिससे जॉन थोड़ा सा डर भी रहा होता है। हालांकि ये लॉन्ग टाइम तक नहीं रहता और थोड़ी देर बाद जॉन फिर से शांत हो जाता है और ब्लड स्प्रिट आर्ट के कल्टिवेशन में डूब जाता है। साथ ही जॉन को इस ब्लड स्प्रिट आर्ट के कल्टिवेशन से बाहर आने में लगभग 2 दिन लग गए होते हैं और ये देखकर जॉन काफी सरप्राइज रह जाता है, क्योंकि उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर पे थोड़ा बहुत सुधार फील किया था। हालांकि ये काफी ज्यादा छोटा था, लेकिन आखिरकार छोटा ही सही, सुधार तो सुधार ही होता है। जिसके बाद जॉन को अपनी बॉडी के अंदर के घोष्ट की अजीब हरकत याद आती है, जब उसने ब्लड स्प्रिट आर्ट को एक्टिवेट किया था। तो जॉन कहता है, क्या ऐसा हो सकता है? क्या हो सकता है भाई, हमें भी बता दे। जॉन इस टाइम पे काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और कहता है, अगर ये मामला है तब तो मैं हर दिन ब्लड स्प्रिट आर्ट को धीरे धीरे कल्टीवेट करूंगा और ऐसे छोटे छोटे सुधार होते होते मेरी स्प्रिट पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। साथ ही जॉन को पता था ब्लड स्प्रिट आर्ट वास्तव में काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो की स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा सकती है, क्योंकि स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना काफी कठिन था और अब जबकि उसके पास लोअर रियलम की स्प्रिट थी यानी कि स्पिरिचुअल पावर, तब तो और भी कठिन। इसलिए जॉन और भी एक्साइटेड था कि सब कुछ अब सही रास्ते पे चल रहा है। तभी इसी टाइम पे झानलाव की आवाज जॉन के कान पे आती है, छोटे साथी, ये ब्लड स्प्रिट आर्ट आपकी स्पिरिचुअल पावर में काफी अच्छा सुधार करेगी, मुझे लगता है कि इसे आपको हर दिन कल्टीवेट करना चाहिए। जिस पे जॉन कहता है, ठीक है, मैं जरूर करूंगा हर दिन इसका कल्टीवेशन। तभी झानलाव कहते, बेटा अब जुक्सी सिटी आने वाली है, मेरे टावर से फटाक से निकल लो वरना लात मार के बाहर कर देंगे। और इतना कहने के बाद टावर गायब हो जाता है, जॉन टावर के बाहर आ जाता है। तो अब हम देखेंगे जुक्सी सिटी कैसी है। चलो इस टाइम पे जो वर्ड के बीच पर छोटे से लकड़ी के घर के अंदर जो यान बैठा हुआ होता है और गोल्डन टावर को स्टोरेज रिंग में डाल लेता है, जिसके बाद अपने रूम के बैरियर को हटा देता है और दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। तभी उस बर्ड का जो ड्राइवर होता है, हाँ अब इसको मैं क्या ही बोलूं, हमारे टाइम पे ये चलता ही नहीं था, पक्षियों पे कौन उड़ता है, अपन गाड़ी एरोप्लेन में उड़ते हैं, तो पायलट कह देता हूँ ज्यादा से ज्यादा इसको, क्योंकि ये भी हवा में उड़ता है। हाँ तो उस बर्ड का जो पायलट था वो तुरंत ही जॉन की तरफ देखते हुए कहता है, माय लॉर्ड, हम जिक्सी सिटी पहुंच गए हैं। ये देखकर जो यान तुरंत ही हमें से लाते हुए सामने की तरफ देखता है तो उसकी आंखों में इनफाइनाइट खत्म ना होने वाली एक लग्जरियस सिटी दिखाई देती है। और ये पहली बार थी जब जॉन ने इतना बड़ा शहर देखा था, ऊंची ऊंची इमारतें बिल्कुल अपने मुंबई जैसी आसमान को छूती हुई, यहाँ तक कि बुर्ज खलीफा से भी जो ऊंची होती हैं और बादलों को चीरकर आसमान के अंदर जा रही होती हैं, जिनका कोई अंत ही नहीं था। तभी जॉन कहता है, माफ करना, बस मुझे ये बताओ वैसे हम किस डिस्ट्रिक्ट में हैं? तभी वो बंदा कहता है, ये डायमंड ट्राइब का एरिया है, क्योंकि हम डायमंड सिटी से आए हैं तो ऑब्वियसली हम डायमंड ट्राइब में ही तो आएंगे। तभी जॉन कहता है, लेकिन मैं तो ह्यूमन ट्राइब के डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? आखिरकार जॉन का मोटिव तो मेडिसिन सिटी को ढूंढना था ना, याउक्लेन को, तो वो तो ह्यूमन ट्राइब के अंदर ही मिल सकता था, इसलिए जॉन को ह्यूमन डिस्ट्रिक्ट जाना होता है। तभी वो बंदा कहता है, सर शहर के अंदर डिस्ट्रिक्ट होने के बाद 2 गली छोड़ के लेफ्ट ले लीजिएगा, उसके बाद सीधे जाते जाइएगा, एक पत्थर का टैबलेट मिलेगा, उससे ईस्ट डायरेक्शन को पकड़ के बिल्कुल सीधा कल्टी मार लीजिएगा और वहाँ से आपको एक वार्म होल मिलेगा, जिससे टेलीपोर्ट करते ही आप ह्यूमन डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएंगे। और ऐसा कहते वो जॉन को बताता है, जिसपे जॉन कहता है, तूने जो बताया मुझे समझ में तो नहीं आया, लेकिन सुन के अच्छा लगा, धन्यवाद। जिसके बाद वो सिटी के एरिया की तरफ देखता है और उस बर्ड से नीचे उतर कर सीधा ही लोगों की भीड़ में गायब हो जाता है। पैसे तक नहीं दिए भाई इस बंदे ने, अच्छा सॉरी ये तो उसके दोस्त का ही खानदानी बिजनेस है, उससे पैसा काहे को लगेगा। इस टाइम पे जुक्सी सिटी के अंदर लोगों का आना जाना कंटिन्यू लगा ही रहता है और जियोयान शहर में लोगों की हलचल को देख सकता था। जिसके बाद उस बंदे द्वारा कही गई डायरेक्शन को फॉलो करता हुआ जियोयान 1-2 गली कल्टी मारता और सीधा ही ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चलने लगता है। साथ ही जॉन अपने दाएं बाएं तरफ देख रहा होता है, हर तरफ दुकानें ही दुकानें होती हैं, काफी ऊंची ऊंची इमारतें और चमकदार माउंटेन रेंजेस भी होती हैं। साथ ही यहाँ की बड़ी बड़ी सड़कें साफ सुथरी होती हैं, साथ ही सड़क के दोनों किनारे हरे हरे पेड़ लगे हुए होते हैं, साथ ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे जिससे लाइटिंग्स की आवाजें आ रही होती हैं। लेकिन शहर में हर कोई काफी ज्यादा इंप्रेशनलेस और उदासीन और काफी ज्यादा खराब मूड में दिख रहा होता है, जैसे कि वो लंबे समय से इस बोरिंग माहौल के आदि हो चुके हों। जिसके बाद जॉन सीधा ही वार्म होल की डायरेक्शन में चला जाता है और लगभग 1 घंटे बाद उसे अपने सामने 6 बड़े बड़े वार्म होल दिखाई देते हैं जो 6 अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। तभी जॉन कहता है, साला इसने सब कुछ बताया, ये नहीं बताया कि कौन से वाले में घुस के कौन से वाले से निकलना है। तभी जॉन कहता है, यहाँ पे 6 टीमें खड़ी हुई हैं, चलो यहीं से पूछ लेते हैं। जिसके बाद जॉन देखता है कि यह वार्महोल टेलीपोर्टेशन एरिया होता है और काफी सारे लोग लाइन में लगे हुए वार्महोल से जाने के लिए वेट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर से भी कम के टाइम के अंदर जॉन वार्म होल के अंदर आखिरकार एंटर हो जाता है। साथ ही जरूरी जो कीमत होती है 1000 गोल्ड क्वाइन वो जॉन यहाँ पे दे देता है और लोगों को फॉलो करते हुए जॉन वार्म होल के अंदर एंटर होता है।
ताकि वो ह्यूमन डिस्ट्रिक्ट की तरफ जा पाए। जैसे जॉन वॉर्महोल के अंदर कदम रखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसने किसी सॉलिड चीज पर कदम रखा हो, और जब वो करीब से देखता तो ये एक एशियन नाव थी, और ये एक तरीके की नाव थी जो केवल वॉर्महोल के अंदर ही ट्रेवल कर सकती थी। और जॉन ने ड्यूकी कॉन्टिनेंट के अंदर भी इसे देखा था। मैंने क्या कहा था, इसके अंदर ड्यूकी कॉन्टिनेंट के काफी सारे डिफरेंसेस है, लेकिन डाउकी कॉन्टिनेंट के कम्पेरिजन यहाँ की जो बोट होती है वो काफी ज्यादा महंगी थी। साथ ही इस बोट के ऊपर काफी सारे लोग थे जो कि पालथी मारकर बैठे हुए होते हैं, इसीलिए जो यान भी देखा सीखी में पालथी मारकर बैठ जाता है। साथ ही सब कुछ काफी आसान चल रहा होता है, और एक घंटे से भी कम के टाइम के अंदर वो ह्यूमन डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाते हैं। ये देखकर तो जो यान भी दिल में तारीफ करते हुए कहता है, ये सही था यार, इतना तेज। जॉन ने इतने कम पैसे के अंदर इतने हाई क्वालिटी के वार्म होल में ट्रेवल करने की उम्मीद नहीं की थी। हाँ, यही होता है जब गरीब के हाथ में सोने का कटोरा लग जाए। जो यान के मन में काफी शक होता है तो काफी ज्यादा तारीफ भी भरी हुई होती है कि सच में ये कॉन्टिनेंट काफी अच्छा है। हमें भी पता है कि राइटर तुम चूतिया हो, क्योंकि तुमने ये बात हमको 20 बार बता दी है फिर भी तुम यही बता रहे हो। जिसके बाद जॉन जैसे ही वार्म होल से बाहर निकलता है तो अपना सिर उठाता है तो उसके सामने उसके सिर से भी ऊंची दीवार होती है, इमारत होती है। यहाँ तक कि जो यान उसके लास्ट टच को देख ही नहीं पा रहा था। क्या ये इमारत दीपिका पादुकोण और कानून के हाथ से भी ज्यादा लंबी है? साथ ही आसमान की तरफ देखते हुए जॉन देख सकता था ये जो इमारत थी वो ब्लर क्लाउड मिस्ट के अंदर गिरी हुई थी, लेकिन इसके पीक पर 5 बड़े गोल्डन बर्ड लिखे हुए होते हैं जो कि होते हैं वांग जिंग ग्रैंड होटल, हाँ ओयो की ब्रांच होगी ये भी, जहाँ पे डाई साइज के भी आइकन बने हुए होते हैं। तो जॉन खुद से कहता, बेटा ऐसा लग रहा है ये कौनो कैसीनो असीनो है, चलो 3 पत्ती खेल के आते हैं। और इसके बाद जॉन इस शानदार इमारत को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और काफी तारीफ भी करता है, क्योंकि ड्यूकी कॉन्टिनेंट या की डी झो के अंदर भी उसने ऐसी इमारत नहीं देखी थी। इसीलिए जॉन थोड़ा सा क्यूरियस होते हुए आगे की तरफ चलने लगता है, क्योंकि किंग हाउरान के अकॉर्डिंग जॉन उसी सड़क पर जाता है जहां से याओ क्लेर वो जा सकता था। जिसके बाद रास्ते में क्यूरियस तरीके से जॉन काफी फेरी वालों की आवाज को सुनता है जो कि कह रहे होते, आलू ले लो, सब्जी ले लो, पालक ले लो, भाजी ले लो, गोभी ले लो। अब मैजिकल मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के नाम कठिन है इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। साथ ही यहाँ पे जो सीन होता है वो काफी ज्यादा हलचल भरा होता है। साथ ही कभी कभी यहाँ पे लाइटिंग की भी आवाजों को सुना जा सकता था। जिसके बाद जॉन चलते चलते कुछ गलियों से मुड़ने के बाद एक शानदार पवेलियन के बाहर आकर रुक जाता है, जहाँ पवेलियन के ऊपर 3 वर्ड लिखे हुए होते हैं, ट्रेजर बिल्डिंग। और ये एक ऐसी दुकान थी जो कि ट्रेजर्स को सेल करती थी, किसी भी तरीके के अजीब टाइप के ट्रेजर्स को जिसे लोग नहीं जानते थे कि इनका यूज क्या है यहाँ बेच जाते थे, और ये लोग दूसरे को चिपका देते थे। 21 दिन में पैसा डबल। अच्छा पाजी को ये स्कीम यहीं से हाथ लगी थी। साथ ही यहाँ की हलचल और लोगों के आने जाने को देखकर जॉन ने इतना अंदाजा लगा लिया था कि इस बिल्डिंग का काफी अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है भाई, और लोगों के बीच में इसकी काफी पॉपुलैरिटी और प्रतिष्ठा है। जिसके बाद जॉन गेट पे खड़ा हो जाता है और अंदर जाने से झिझक रहा होता है, क्योंकि भाई पैसा नहीं था ना जेब में, और जब जेब में पैसा ना हो ना तो बंदा पहले ही हेजिटेट होने लगता है। लेकिन आखिरकार अपना टर्क गेट के अंदर चला ही जाता है और उसके सामने आता है एक बड़ा सा हॉल। हॉल के अंदर काफी सारे काउंटर्स होते हैं और काउंटर में काफी सारी अलग अलग चीजें होती हैं, जहाँ पे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट, पिल्स, वेपन्स, वेटल स्किल्स, मैजिकल पावर्स, लगभग सब कुछ। साथ ही चारों तरफ देखने पर यह हॉल काफी आइकॉनिक तरीके से सजाया गया था और सभी चीजें काफी मिस्टीरियस ग्लो कर रही होती, और जॉन को पता था इनमें से कोई भी चीज नॉर्मल नहीं है। जिसके बाद जॉन इस जगह पर चारों तरफ देखने के बाद उसकी आंखें एक ऐसी जगह पर रुकती है जहाँ पे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट सेल किए जा रहे होते हैं। धीरे धीरे चलने के बाद जॉन वहाँ पे अलग अलग टाइप के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को देखता है तो उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं। जिसके बाद जॉन कुछ इंग्रेडिएंट के नाम सुनता है, आइस एज ग्रास, फैंटम ड्रीम बेल, ओरिजन ग्रास, डायमंडी मास, और जॉन इन चीजों के बारे में सोचने से खुद को रोक ही नहीं पाता। लेकिन जब जॉन इन चीजों के नीचे के टैग यानी कीमत को देखता है तो वो और भी हैरान हो जाता है, क्योंकि आइस एज ग्रास की अकेले की कीमत 50 ड्रैगन पैटर्न गोल्ड क्वाइन थी। साथ ही डायमंडी मॉस उसकी कीमत 150 ड्रैगन पैटर्न गोल्ड क्वाइन थी, या कि ड्रैगन गोल्ड क्वाइन थी। और ये नॉर्मल वो इंग्रेडिएंट थे जो जॉन की मैरो को रिफाइन करने के लिए यूज होने थे, लेकिन जॉन को उम्मीद नहीं थी कि ये इतना महंगा होगा। तभी काउंटर के अंदर मौजूद लड़का जो यान की तरफ देखता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जिसके बाद जो यान भी आसपास के हर्ब्स को देखता है तो उसकी नजर एक ब्लू कलर के हर्ब पर पड़ती है, और इस जड़ी बूटी को बिन लांझी कहा जाता था, जो कि उम्मीद के अकॉर्डिंग काफी रेयर होती थी, जो कि डेंटियांस को रिफाइन करने के लिए एक टाइप की मेडिसिनल हर्ब थी, और इसकी कीमत 500 ड्रैगन गोल्ड कॉइन होती है। तभी जॉन अपने सामने वाले लड़के की तरफ देखते हुए कहता है, क्या आप मुझे ये मेडिसिनल हर्ब्स दिखा सकते हैं, और बिन लांझी की तरफ इशारा करता है। तभी वो सर्वेंट जो यान की तरफ देखते हुए कहता है, बिन लांझी, और इसके बाद वो उसे तुरंत बाहर नहीं निकालता बल्कि उसके ऊपर इशारा करते हुए कहता है, क्या आप वास्तव में इस हर्ब्स को चाहते हैं? जिसपे जॉन से हिलाता है। तभी वो लड़का कहता है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ,
कि आप इसे देखना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो 500 ड्रैगन गोल्ड कॉइन लगेंगे, लेकिन अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो ये अभी भी काफी अच्छा है, लेकिन इसका टेस्ट वास्तव में थोड़ा खट्टा है। हालांकि जॉन उस लड़के की परवाह नहीं करता और तुरंत ही कहता है, मैं पहले इसे देखूंगा, अगर ये अच्छा रहा तो मैं इसे खरीद भी लूंगा। उस लड़के को उम्मीद नहीं थी कि जॉन वास्तव में इस तरीके से रिप्लाई करेगा, इसलिए वो कहता है कि मुझे लगता है शायद आप इसे ना खरीद पाए। हालांकि जॉन उस विन लांग जी को लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था कि तभी पीछे से एक ओल्ड आवाज आती है, जो यार हाल ही में कौन से नए नए मेडिसिनल हर्ब्स और प्रोडक्ट आए हैं। जिस पर वो बंदा यंग लड़का तुरंत ही हाथ भींचते हुए उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है एक अट्रैक्टिव स्माइल के साथ काफी रिस्पेक्टेडली, मिस्टर जू आपने इसे नहीं देखा, यहाँ पे काफी सारे नए प्रोडक्ट का एक बैच आया है, मैं आपको तुरंत दिखाऊंगा। और इतना कहने के बाद वो मिस्टर जू को लेने के लिए चला जाता है। दूसरे जॉन थोड़ा सा घबरा जाता है, जिसके बाद मिस्टर जू नाम का वो पर्सन उस जगह पर आता है जहाँ पर जो यान खड़ा हुआ होता है। तभी वो वहाँ पे हल्की ब्लू कलर की उस ब्रांच को देखते हुए तुरंत कहता है, विन लांग जी ये नया आया है, बुरा नहीं है, मुझे विन लांग जी चाहिए, इसे मेरे लिए लपेट दो। साथ ही मिस्टर जू ने काफी फैंसी कपड़े पहने हुए होते हैं और वो जो यान की तरफ चल रहे होते हैं, उनके पीछे दो हाफ एजेड मैन चल रहे होते हैं। साथ ही दोनों ही हाफ एजेड मैन काफी अमीर लग रहे होते हैं, हालांकि इसमें से एक अमीर आदमी था और दूसरा उसका सर्वेंट था। दूसरे जो यान ने हिडन तौर पर मिस्टर जू की ताकत का पता लगाने की कोशिश की थी, जिससे जॉन को पता चला था कि इनकी पावर 3 स्टार डाउडी लेवल के आसपास होनी चाहिए, लेकिन उनके पीछे चल रहे दो हाफ एजेड मैन का पता नहीं लगा सका जो यान कि उनकी ताकत कितनी थी, लेकिन कंपैरिजन में मिस्टर जू के उनकी ताकत ज्यादा ही थी। हालांकि तभी उनके साथ चल रहा सर्वेंट तुरंत ही उनकी बात को सुनकर ठीक है कहकर खुशी में उत्तर देता और विन लांग जी को तुरंत ही ले लेता है। हालांकि तभी जो यान तुरंत ही कहता है, रुको। जॉन का जो लहजा होता है वो काफी स्ट्रिक्ट होता है, ये देखकर वो लड़का तुरंत ही रुक जाता है और उस विन लांग जी को उसे नहीं देता। जिसके बाद जो यान अपने सामने मिस्टर जू की तरफ देखते हुए कहता है, माय लॉर्ड मुझे माफ करें, लेकिन सबसे पहले ये ब्लू ब्रांच मैंने देखी थी, इसीलिए ये ब्लू ब्रांच मैंने खरीद ली है। तभी वो छोटा सा लिटिल नौकर मिस्टर जू की तरफ देखता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता वो क्या कहे, इसलिए वो कहता है, नहीं ये ब्लू ब्रांच मैंने खरीदी है। तभी जू गोंग जी कहते हैं, रुको। और इस टाइम पे वो बिल्कुल भी नाराज नहीं होते, यानी मिस्टर जू का नाम ही जू गोंग जी है। जिसके बाद वो कहते हैं, तुम्हें ये पहले दिखी, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मैंने बहुत टाइम पहले इस विन लांग जी ब्रांच का ऑर्डर दिया था, क्या ये सही नहीं है जियो यार। और ऐसा कहते वो उस लड़के की तरफ देखते हैं, जिसमें वो सर्वेंट मिस्टर जू की तरफ देखते हुए शॉक रह जाता है और तुरंत ही जल्दी से सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ हाँ मिस्टर जू ने पहले ही इसे ब्लू ब्रांच के लिए अपना ऑर्डर बुक करवा लिया था। तभी जॉन के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है और वो थोड़ा सा झुकते हुए कहता है, दिखावा करना बंद करो और इसे मेरे लिए पैक करो। और ऐसा कहते हुए जो यान मिस्टर जू को पूरी तरीके से इग्नोर मार देता है और उन्हें अपने आप को इग्नोर मारते हुए देखकर उनका तो पूरा चेहरा ही काला पड़ जाता है। जिसके बाद वो कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम कौन हो, एक दो कौड़ी का गुंडा हमसे चीजें छीनने की हिम्मत करता है। और ऐसा कहते हुए वो जो यान की तरफ देखते हैं और एरोगेंटली जॉन को इग्नोर मारते हैं। तभी जॉन कहते हैं, ये पहली बार है जब मैं जुक्सी सिटी में आया हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन कौन है और कौन कहाँ से है, ना ही मैं ये जानना चाहता हूँ, वरना ये आपके क्लेन के लिए भी भारी पड़ सकता है। सदी जॉन की आवाज काफी डाउन होती है, जैसे वो केवल खुद से ही बात कर रहा हो। जिसके बाद जॉन कहता है, आप कौन है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं, आप यहाँ इंग्रेडिएंट खरीदने के लिए आए हैं और मैं भी यहाँ इंग्रेडिएंट खरीदने के लिए आया हूँ, और मैं पहले आया हूँ तो मैं पहले खरीदूंगा, जो यार इसे पैक करो। और ऐसा कहते हो जो यार ने उस सर्वेंट की तरफ देखता और सर्वेंट मिस्टर जू की तरफ देखता है। अब तक जॉन को थोड़ा सा गुस्सा आने लगा होता है, इसलिए जॉन चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी करो और इसे मेरे लिए पैक करो। जो यान की तेज आवाज को सुनकर उस सर्वेंट के इंप्रेशन बदल जाते हैं और वो केवल मिस्टर जू को ही देखता रहता है, क्योंकि वो मिस्टर जू से काफी डरता था। दूसरी तरफ उसके बगल में मिस्टर जू अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो वो तुरंत ही कहते, लड़के क्या तुम यहाँ सच में नए हो, मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुमसे इतना ही कहूंगा कि इस जगह पर ऐसे बहुत से लोग नहीं है जो मुझसे चीजें छीनने की हिम्मत कर सकते हैं, आज मैं ये बैन ब्लू ब्रांच चाहता हूँ, इसके लिए मैं 600 ड्रैगन गोल्ड कॉइन देने के लिए तैयार हूँ। लड़के क्या 500 ड्रैगन कॉइन तुम्हारी टोटल संपत्ति है, हा हा तब तो मैं पैसे और कीमत को और बढ़ा के तुम्हें बड़े आसानी से हरा दूंगा। और ऐसा कहते वो जियान के सामने अपनी अमीरी की पोजिंग मारने लगता है। तो इस टाइम पे जो यान का भी गुस्सा भड़क गया होता है, आंखें लाल होती हैं, जैसे वो किसी को मारना चाहता हो। जिसके बाद जियान अपनी स्टोरेज रिंग से सारे काउंटर से सिक्के निकालता है और कहता है, 99,000 गोल्ड कॉइन। और इस टाइम पे मिस्टर जू को भी जॉन की कोल्ड नजर से थोड़ा सा डर लगा हुआ होता है। जिसके बाद वो जॉन द्वारा निकाले गए गोल्डन कॉइन्स को देखते हैं तो तुरंत ही हंस पड़ते हुए कहते हैं, क्या बकवास है, गोल्ड कॉइन गोल्ड कॉइन का यूज मुझसे चीजें खरीदने में, जियो यार मेरे पास 1100 अबे सीधा 1100, मैं क्या पढ़ता रहता हूँ, 1100 ड्रैगन गोल्ड कॉइन है,
जोयान को नहीं पता था कि जिक्सी सिटी में खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इन्हें केवल ड्रैगन टेल्स के साथ ही खरीदा जा सकता था और गोल्ड कॉइन का यूज आमतौर पर केवल इन्हें ड्रैगन टेल्स में है और वो केवल अब इसी चीज को निकाल सकता था। और इस चीज को निकालते देखकर सभी लोग जोयान की तरफ देखने लगते हैं और आसपास की पूरी भीड़ में हंगामा मच जाता है और चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। तभी उनमें से एक बंदा कहता है, मास्टर असिस्टेंट, ये लड़का किसी बड़ी फैमिली से होना चाहिए जो शायद पहली बार जिक्सी सिटी में आया है, वरना वो 6-स्टार मैजिकल कोर को कैसे निकाल सकता है। साथ ही बाकी की आवाजें भी काफी धीमी होती है। तभी एक आवाज आती है, चुप रहो, जिसके बाद दो लोग जोयान की तरफ देखते हुए उस तरफ बढ़ने लगते हैं, जहां एक मास्टर होता तो दूसरा सर्वेंट होता है। मास्टर यंग होता है और उसने ब्राउन कलर के कपड़े पहने होते हैं, फिगर काफी नाजुक, चेहरे पे इंप्रेशन काफी शांत होते हैं और बिल्कुल ललचाई हुई काफी चतुराई से जियान को देख रहा होता है, तो जियान भी ग्रेटफुल तरीके से उसे देखता है। दूसरा मास्टर जू तो पूरी तरीके से शॉक होते हैं क्योंकि उन्होंने जोयान के द्वारा 6-स्टार के मैजिकल कोर को निकालने की उम्मीद नहीं की थी। साथ ही उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके सामने का यह गरीब लड़का जिसने अपने सारे गोल्ड कॉइन निकाल लिए थे वो इतनी कीमती चीज को यूं ही निकाल देगा। यहाँ तक कि सबको पता होना चाहिए कि बड़ी फैमिलीज के पास भी 6-स्टार डाउडी का मैजिकल कोर नहीं होता था। यहाँ तक कि बाजार में इसकी अकेले की कीमत 1 लाख ड्रैगन गोल्ड क्वाइन थी, लेकिन ये भी वास्तव में इसकी रियल प्राइस नहीं कही जा सकती थी। और इस टाइप पे मिस्टर जू का जो ईगो था जोयान के द्वारा सप्रेस कर दिया गया था, इसलिए वो अपने दांत पीसते हुए काफी ज्यादा गुस्से से जोयान की तरफ देखता है और अपने हाथ को घुमाते हुए हाफ एजेड मैन दोनों ही लोगों को बाहर ले जाता है। और जैसे ही मिस्टर जू चले जाते हैं तो उस लड़के का चेहरा नीला लाल हो जाता है और वो हेल्पलेस तरीके से स्माइल करता है, जिसके बाद वो बड़ी सावधानी के साथ बिन लामजी को ब्रोकेट बॉक्स में पैक करते हुए जो यान के सामने पैस कर देता है। साथ यहाँ के लोग भी जाने लगते हैं और जान इस पे कोई ध्यान नहीं देता। और इसके बाद वो अपने हाथ को घुमाकर काउंटर से सारे ही कॉइन और कोर को अपने स्टोरेज रिंग में रखता और जाने ही वाला था कि तभी वो सर्वेंट जॉन की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मास्टर आपकी मेडिसिन। तभी जॉन अपना सिर घुमाए बिना अपने हाथ को उठाता और कहता, मैं इसे अब नहीं खरीदूंगा। लेकिन तभी वो लड़का तेजी से जॉन के पीछे जाता है और कहता, मास्टर। लेकिन जॉन अपनी जगह पर रुकता है और इसके बाद सिर घुमाकर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि आपका ये स्टोर जबरदस्ती लोगों को चीज बाहर निकलने ही वाला था कि थोड़ी सी फैमिलियर वॉइस जॉन को सुनाई दे के इस कपड़े पहने हुए आदमी को जानता भी नहीं था और अकेले बाहर जाए। मिनफो, मेरी जगह पर जाएं और उन्हें बताएं कि मैं जल्दी पे हूं। और इसके बाद ले साओलोंग अपने फॉलो करने वाले पर्सन को जाने का ऑर्डर देता और इसके बाद कहता, माय लॉर्ड प्लीज, और आगे बढ़कर जोयान को उसके पीछे आने का संकेत देता है। सती स्टोर में खड़े हुए सर्वेंट ने जोयान को एक बार फिर से मनाने की स्ट्रेटजी तो बनाई थी, लेकिन ले साओलोंग को जॉन को दूर ले जाते देखकर वो कुछ भी नहीं कह सका था क्योंकि वो साओलोंग को जानता था और वो ऐसा पर्सन नहीं था जिसे वो भड़का सके। साओलोंग के साथ जोयान उसके पीछे पीछे चलने लगता और रास्ते में वो उससे बिल्कुल बात नहीं करता, जिसके बाद 7-8 फेरे और चक्कर के बाद दोनों लोग एक टी हाउस में पहुंच जाते हैं जो कि काफी ज्यादा आइकॉनिक और खूबसूरत होता है। जिसके बाद ले साओलोंग अपनी जगह पर रुककर सिर घुमाता है जोयान की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहता, मेरे लॉर्ड यहाँ बहुत शांति है। जिसके बाद जोयान भी उस टी हाउस के अंदर एंटर हो जाता है और एक पर्सनल रूम में एंटर होता है जहाँ पे उनके लिए चाय सर्व की जाती है और वो एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाते हैं। जिसके बाद वो जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, माफ करिएगा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये पहली बार है जब आप जुक्सी सिटी में आए हैं? जिसपे जॉन सहलाता है, जिसमें वो बंदा कहता है, तो कोई सरप्राइज की बात नहीं कि आप वास्तव में ट्रेजर बिल्डिंग जैसी जगहों पर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट खरीदते हैं। तभी जॉन भी पोलाइटली स्माइल करते हुए साओलोंग को ग्रीट करते हुए कहता है, सीनियर, अभी अभी आपने मुझे अपना इंट्रोडक्शन दिया, वैसे ये जूनियर आपसे पूछना चाहता है, क्या ट्रेजर हॉल के अंदर इंग्रेडिएंट के अंदर कुछ गलत है? जिसपे वो कहता है, अगर आप जिक्सी सिटी के अंदर अदर जगहों से मेडिसिनल इंग्रेडिएंट खरीदते हैं तो स्वाभाविक तौर पर ये चीज आपको काफी सस्ती मिल सकती है, यहाँ तक कि डांडियान डिस्ट्रिक्ट में तो और भी काफी सारी सस्ती चीजें हैं, बाकी की जगहों पर आमतौर पर काफी अजनबी लोग सेल करते हैं, इसलिए इन चीजों का प्राइस काफी ज्यादा महंगा होता है। तभी जॉन कहता है, क्या मिस्टर जू भी इसे यहीं पे खरीदने के लिए नहीं आए थे? जिसमें साओलोंग तुरंत ही कहता है, वो एक अमीर बच्चा जो उसे फॉलो करता है, साथ ही वो चाहता है कि लोग उसे फॉलो करें, यहाँ का वो अच्छा जानकार भी है, साथ ही वो जानता है कि अगर वो डांडियान डिस्ट्रिक्ट में जाता है तो कोई भी उसको फॉलो नहीं करेगा, ना ही कोई उसकी चापलूसी करेगा, और इसके अलावा यहाँ पे चीजें खरीदने में उसे काफी ज्यादा छूट भी मिली। जिसपे वो कहता है, ओ ये सही है, मुझे नहीं लगता कि यंग मास्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, साथ ही उनके पास लिए 6-स्टार डाउडी लेवल के मैजिकल को मैन और ये बंदा। जिसके बाद साओलोंग तुरंत ही कहता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मिस्टर जोयान जिक्सी सिटी में किस लिए आए हैं? हो सके तो क्या मैं उनकी थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ? जिसपे जोयान कहता है, मैं यहाँ याओ फैमिली को ढूंढने के लिए आया हूँ। तभी ले साओलोंग थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है, याओ फैमिली की तलाश, क्या आप बदला लेना चाहते हैं? तभी जॉन कहता है, नहीं नहीं, मैं तो यहाँ याओ फैमिली से मदद मांगने के लिए आया हूँ ताकि अपने एंसेस्टर की सोल को रिवाइव कर सकूँ और उसे रिवाइव करने का रास्ता ढूंढ सकूँ। और ऐसा कहते हुए जॉन साओलोंग को जिक्सी सिटी आने का मोटिव बताता है। यह सुनकर साओलोंग तुरंत ही जॉन की तरफ देखते हुए कहता है, फिर मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप उसे ढूंढने के लिए सिटी में ना जाएं,
क्या आप जानते हैं मिस्टर जू जिससे अभी अभी आप बहस कर रहे थे वह याओ फैमिली का ही बेटा है जो जिक्सी सिटी के अंदर लोगों को मैनेज करता है और मैनेजर है। उसकी बात को सुनकर जॉन तुरंत ही समझ जाता है कि ले साओलोंग का क्या मतलब था और उसने न सिर्फ मिस्टर जू को नाराज किया था इसीलिए अगर वो अब उससे मदद मांगने जाता तो वो जॉन की मदद बिल्कुल भी नहीं करता। तभी जॉन कैसे इंप्रेशन को देखकर ले साओलोंग हंसते हुए कहता है लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मिस्टर जू जहाँ तक मुझे पता है कि आप याओ क्लैन का ट्रेजर जानना चाहते हैं तो आपको साउथ माउंटेन रेंज में याओ क्लैन में जाना चाहिए। यह सुनकर जॉन सहलाता और जॉन को पता था कि किंग हाओरान ने उससे कहा था कि याओ क्लैन का ट्रेजर प्राप्त करना काफी मुश्किल है जिसे जिक्सी सिटी की ब्रांच द्वारा तो मैनेज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तभी साओलोंग बात बदलते हुए कहता है ठीक है चलिए याओ क्लैन के बारे में बात नहीं करते आपके बारे में बात करते हैं अगर आप जियो क्लैन में या अगर आप याओ क्लैन में नहीं जाते तो क्या मिस्टर जियो कहाँ जा रहे हैं क्या वो जिक्सी सिटी घूमने की स्ट्रेटजी नहीं बना रहे। तभी जॉन कहता है मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और मुझे इस सिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता और ये सिटी काफी बड़ी है। साथ ही जॉन के दिल में इस सिटी में रहने का थॉट था और ये देखने के बाद कि यहाँ पे मैरोपिल को रिफाइन करने वाले इंग्रेडिएंट मिल सकते हैं जॉन थोड़ा सा और यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहता था लेकिन उसके द्वारा लाए गए 1,00,000 गोल्ड कॉइन जिक्सी सिटी में रहने के लिए और खर्च उठाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। तभी साओलोंग कहता है जिक्सी सिटी वास्तव में बहुत बड़ी है लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो चीज है वो है नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। मुझे लगता है मिस्टर जियो को देखने के लिए कुछ दिन रुकना चाहिए। जहाँ तक बात रही जिक्सी सिटी की स्पेशल पोजीशन का सवाल तो मिस्टर जियो को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और ऐसा कहते हुए साओलोंग जॉन के दिमाग में काफी ह्यूज क्वांटिटी में इन्फॉर्मेशन को भेज देता है जिससे जॉन को जिक्सी सिटी के बारे में काफी कुछ चीजें पता चलती है। जहाँ जॉन को पता चलता है जिक्सी सिटी काफी बड़ी है और ये पूरे ही डी युआन डायनेस्टी का सेंटर है और डाउडी कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा और रिचेस्ट शहर भी इसे माना जा सकता था। साथ ही डाउडी कॉन्टिनेंट का पूरा ही बिजनेस यहीं से होता था। साथ ही इसे इकोनॉमिक कैपिटल भी माना जा सकता था डाउडी कॉन्टिनेंट का जहाँ से हर जगह पर चीजों को सप्लाई किया जाता था। साथ ही डाउडी कॉन्टिनेंट की सभी आर्मी यहीं पे इकट्ठा होती थी इसीलिए जिक्सी सिटी पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे फास्ट और सबसे सेफेस्ट सिटी थी जहाँ पे बार्महोल और ट्रांसफॉर्मेशन भी थे। साथ ही बार्महोल को बनाए रखने के लिए शहर काफी ज्यादा खर्चों को भी करता था। साथ ही 6 बार्महोल को 6 पावरफुल क्लेन ही मैनेज करते थे। साथ ही जिक्सी सिटी के अंदर की थोड़ी सी भी लेन देन की राशि को एक्सचेंज में बदल दिया जाता था। साथ ही 10% प्रॉफिट या की लॉस की परवाह किए बगैर इसे 6 मेन पावरफुल पावर हाउसेस अपने साथ एक बराबर बांट लेते थे। साथ ही जिक्सी सिटी के अंदर बिजनेस और ज्यादातर मर्चेंट्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इन 6 पावरफुल फैमिलीज ने अपने अपने चालों को चला था। साथ ही बार्महोल और ट्रांसफॉर्मेशन सेरे का जो लागत थी उसे भी बहुत कई तरीके की चीजें बेची जाती थी। अजीब ट्रेजर्स अवेलेबल थे और यहाँ पे हर कोई अपनी नजर के हिसाब से ही कोई चीज ले सकता था और उसकी नजर पर डिपेंड करता था कि किसकी नजर कितनी तेज है। यहाँ तक कि सबसे कम कीमत में काफी रेयर ट्रेजर भी मिलने के चांसेस रहते थे तो काफी हाई कीमत में भी आप बेकार चीजें पा सकते थे। कुल मिला के ये अपने यहाँ का चोर बाजार जैसा होता है सरोजनी मार्केट या चोर बाजार मान लो। इस जगह को सस्ती कीमत में अच्छी चीज मिल सकती है और महंगी कीमत में खराब चीज भी मिल सकती है। साथ ही मर्चेंट एलायंस एरिया में सबसे यादगार चीज एक सुपर ऑक्शन हाउस था जिसका नाम था दासांग ऑक्शन हाउस और ये न केवल इसलिए सुपर था क्योंकि ये बड़ा था बल्कि इसके द्वारा आधे से ज्यादा ट्रेजर्स की नीलामी की जाती थी इसलिए एक ऐसी जगह थी जहाँ पे मेन पावरफुल पावर हाउसेस यहाँ आते थे। तो चलो गाइस इसी के साथ अब ये एपिसोड यहीं एंड करूंगा। मैंने आपको यहाँ की जगहों के बारे में बता दिया है तो अब इसके बाद का जो एपिसोड है वो हम नेक्स्ट एपिसोड पे एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कल क्या होता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मार देना और ऑल्सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मारते रहना कमेंट करते रहना और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहना। बाय बाय ट्रियन फैमिली।